रहा है जिसके पैर किसी ने छुए हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आज मोदी जी का लोग पैर तक छूते हैं, क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि उनमें वो, क्योंकि उनमें वो ग्लोबल लीडर बनने की ताकत है, वो ताकत है कि वो ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। मोदी जी की सरकार आएगी, 5 साल तक चलेगी और जो भी उन्होंने कहा है UCC ये सारी चीज़ें इस बार लागू होगी, आप देखिएगा। और आप जो विपक्ष का नाम ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है, जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब क्या बोल दें। आज ही कुछ ही दिन पहले चुनाव के लिए उन्होंने 8,000 रुपये बोला था कि सारी औरतों को मिलेगा 8,000 रुपये। आज औरतें 8,700 रुपये आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लोग, औरतें वहां पे खड़ी है कि हमारा पैसा कहाँ है, और वो कह रहे हैं हमने कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं बांटा। मतलब खुद को बोल के आप खुद झूठ बना रहे हो। कई ऐसे नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के ये कह रहे हैं कि हम भारत पाकिस्तान का मैच देखना पसंद करेंगे, मोदी जी के शपथ ग्रहण को नहीं देखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तो एक कदम आगे बढ़कर के कह रही हैं कि हमें न्योता नहीं मिला है, और अगर न्योता मिलता भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने का, तब भी हम नहीं जाते, क्योंकि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचा रहा है, मोदी जी तानाशाही का माहौल लेकर के आए थे देश में, और जो भाजपा को, जो NDA को जो मैंडेट मिला है विपक्ष के तौर पर, राहुल गांधी के हिसाब से वो मैंडेट मोदी जी को कहीं ना कहीं नापसंद करने का मैंडेट है। हमारे साथ मैं मौजूद हूँ, मैम क्या नाम है आपका? रितिक्षा सिंह। रितिक्षा कहाँ से आप? मैं पटना बिहार से हूँ, पुणे में पढ़ाई करती हूँ। बिहार में तो काफ़ी अच्छा मैंडेट रहा BJP को लेके, नीतीश कुमार भी साथ में शामिल, लेकिन इस बार मोदी जी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो दो टर्म्स रही है 2014-19 की, ये तीसरा टर्म्स में मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं क्या, पकड़ कमज़ोर हो गई है क्या उनकी, अब लोग मोदी जी को उस तरीके से पसंद नहीं करते, वो लहर वाले मोदी जी अब नहीं रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस तीसरे शपथ ग्रहण समारोह? जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसा कि इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गया है, तो अगर भारत में डिक्टेटरशिप होता तो पहली बात ममता की सरकार नहीं चलती, क्योंकि जैसा वो संदेश खाली में कर रही हैं वहाँ पर आप वीडियोज़ देखना, लोग ये कह रहे हैं वहाँ के हिंदू रह नहीं पा रहे हैं, वहाँ के हिंदू ऐसे रह रहे, उनको घर से निकाल दिया जा रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनको उठा के ले जाया जा रहा है। तो अगर डिक्टेटरशिप होती तो ना ही ध्रुव राठी बचता, जो कि पता नहीं कौन से फैक्ट चेक वाले वीडियोज़ बनाता है, जिसके फैक्ट चेक लोग करते हैं तो वो गलत पाया जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती तो कोई भी एक ऐसा इंसान बचता जो मोदी के खिलाफ बोलता है। मोदी जी कुछ नहीं कहते, इसलिए आज लालू ऐसा कहता है कि उनकी तो उनसे पत्नी नहीं संभाली गई। अरे भाई, पत्नी नहीं संभाली गई, वो इंसान वहाँ सत्ता पे इसलिए बैठा था कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। लोग कहते हैं 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, तो आप सुनिए, 10 साल में मोदी जी ने जितने IIT बनवाए, जितने स्कूल्स बनाए, पहले 600 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पहले स्टार्टअप 300 था, आज 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है। अगर मोदी जी ने नहीं किया तो किसने किया ये सब काम? जो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, एक बार 10 साल का कार्यकाल उठा के देख लो, तब पता चलेगा मोदी जी ने क्या किया है। इस बार जब शपथ ग्रहण मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी बार बार ही कहते थे कि मेरा तीसरा कार्यकाल जो रहेगा बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, लेकिन इस बार देखिए मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की मोदी जी वकालत करते हैं, UCC की बात करते हैं, NRC की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, अब अलायंस की सरकार है, JDU भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये जो दोनों अलायंस के नेता हैं ये हर मुद्दे पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेके नायडू जी की अलग रुख है, तो ये मोदी जी की गारंटी वाली चीज़ें इस बार पूरी नहीं हो पाएगी, तो मोदी जी कमजोरी है। एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी, आपने UCC को लेके कहा, तो UCC का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब मुस्लिम ऐसा कहते हैं कि हमारे शरिया लॉ के हिसाब से UCC नहीं आना चाहिए। वही कह रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ब्याज नहीं लिया जाता शरिया लॉ से, तो ठीक है ब्याज मत लो, अगर UCC नहीं चाहिए तो पूरे तरीके से अपने लिए शरिया लॉ रखो, सिर्फ एक तरीके में मत जाओ। ये आपको लग रहा है कि इन 10 सालों में क्या भारत की छवि वाकई में मजबूत हुई है? ग्लोबली लेवल पर क्या भारत मजबूत हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम बात करें, भारत में अगर संस्कृति के पुनरुत्थान की बात करें, क्या इन तमाम चीज़ों में मोदी जी की अहमियत है, मोदी जी का रोल है कि इन 10 सालों में वाकई में एक देश की नए भारत की नींव रखी गई है? सर, इसका जवाब खुद दे देंगे कि आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जिसके पैर किसी ने छुए हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आज मोदी जी का लोग पैर तक छूते हैं, क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि उनमें वो ग्लोबल लीडर बनने की ताकत है, वो ताकत है कि वो ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। आपको लग रहा है कि अब मोदी जी तीसरे बार शपथ ले रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अब ये सरकार चलेगी नहीं, 6 महीने चल जाएगी, साल भर चल जाएगी, अलायंस से कोई भरोसा नहीं, नीतीश बाबू उनका भी कोई भरोसा नहीं, 6 महीने की 1 साल की सरकार है, उसके बाद ही सरकार टूटने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी की सरकार आएगी, 5 साल तक चलेगी और जो भी उन्होंने कहा है UCC ये सारी चीज़ें इस बार लागू होगी, आप देखिएगा। और आप जो विपक्ष का नाम ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है,
जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब क्या बोल दें। आज ही कुछ ही दिन पहले चुनाव के लिए उन्होंने 8,000 रुपए बोला था कि सारी औरतों को मिलेगा 8,000 रुपए। आज औरतें 8,700 रुपए आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लोग औरतें वहां पे खड़ी है कि हमारा पैसा कहाँ है, और वो कह रहे हमने कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं बांटा। मतलब खुद को बोल के आप खुद झूठ बना रहे हो। आपने बस वो इलेक्शन में वोट लेने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने कह दिया कि 8,000 रुपए देंगे, और हमारे लोग जिन्होंने उसको मान लिया और फॉर्म भर के कांग्रेस को वोट दे दिया, इसलिए आज बीजेपी की ऐसी हालत है। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है आप? हमारी सुन, अभिनव सहरावत है मेरा। ये जब मोदी जी आज तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, एक एक करके बात कर लूँ, ऐसे घुसाओगे तो ये सारे लोग हैं यहाँ। तो जब आज मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, लग रहा है कि बढ़िया कार्यकाल चल पाएगा ये? भाई देखो, वो तो समय के साथ पता चलेगा कैसा चल पाएगा, पर हम इससे पहले बता रहे। देख, हाँ मैं किसान, ठीक है, हम गन्ने की खेती करे, हम अपना गन्ना लेके जाएंगे मिल में, फैक्ट्री में हम अपना गन्ना गेर के आ जाएंगे, हमारा पेमेंट मिलेगा हमें अगले साल, हमारे पेरेंट्स हमारी फीस देंगे उधार लेके, जो सामान होगा वो भी उधार लेके, हमारे पर चढ़ जाएगा 3% का ब्याज, और वो हम कहाँ से देंगे? हमारी फसल है, हमें हमारे पैसे नहीं मिलता, वो उसका क्या होगा फिर? सरकार ने कह दिया वो है फलाना। दूसरी बात, अग्निवीर का क्या है भाई? 4 साल की भर्ती में क्या तम विधायक को कर लूँ? पुलिस वाले ये ना करके देखो, मोदी सरकार उसे बढ़िया लगे जिसके घर में सरकारी नौकरी आ रही, जिनके बड़क छोटे है, खर्चा नहीं है, उन्हें बढ़िया लगे मोदी सरकार। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ जनता है, ठीक है, दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ जनता है, तो फिर सात सबकी तो सरकारी नौकरी नहीं है, सिर्फ 2% की सरकारी नौकरी है, तो फिर सातों सीटें दिल्ली की कैसे आ गई? भाई दिल्ली में जनता लोग लग रही हिंदू और मुस्लिम वाले पे, करने खाने पे कोई नहीं है, लोगों का एजेंडा सीधा एक है, हिंदू मुस्लिम मुद्दे दो होता है, तीसरा बताओ ना सड़क। सरकार है अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, सुनते रहो सर, एक मिनट सुनते रहो, मेरी बात सुनो, सरकार है अरविंद केजरीवाल की, सुनते रहो सर, सरकार है अरविंद केजरीवाल की, एक बात बताओ कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी। यूपी में? कर्नाटक में किसी की सरकार है? बीजेपी। अयोध्या क्यों आ रही? अरे मेरे भाई अयोध्या को छोड़ो ना, सुनो कर्नाटक में किसकी सरकार? सुनो ये कह रहे अयोध्या में बीजेपी हार गई, अरे सिर्फ क्या अयोध्या से चलेगा क्या भारत? भारत अयोध्या से चलेगा? जो 70 साल से जो अपनी प्रजा लेके घूम रहे थे वो 90 सीटों में तो उछल रहे हैं। सुनो, जो 70 सालों में, सुनो, अगर किसान देश में डंका बजा रहे हैं, उनके पास बहुमत नहीं आ रही प्रचंड, जो देश में डंका बजा प्रचंड बहुमत नहीं आ रही, और जो बंदे जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 21 साल में जवान रिटायर हो जाओ, अरे नरेंद्र मोदी जी आप तो 75 साल के, बहुमत नहीं आ रहा भाई साहब, कह रहे बहुमत कहाँ गया? जो कह रहे बहुमत, वो 37 चोर मिलकर 37 चोर मिलकर भी एक मोदी को नहीं हरा पाए। सुनो एक मिनट, एक 37 चोर मिलकर भी 232 नहीं ला पाए, वो अकेला शेर 242 ले आया। अगर किसान इतना ही होता ना भाई, किसान की बात कर रहा है, किसान महाराष्ट्र में भी है, किसान यूपी में भी है, किसान राजस्थान में भी है, सुनो किसान राजस्थान में भी है, किसान हरियाणा के भी, अभी तो हरियाणा का बता रहे थे, मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी किसान यूपी किसान बस से, जब सरकारी रेट में जब बिकता है ना, ये 2 रुपए का लालच में दूसरी जगह बेचने जाते हैं ये लोग, ठीक है। विपक्ष की ये हालत है, जो अपने कोई पड़ोसी होता ना उसके बच्चे को बोलते हैं बेटा पापा बोलो, और वो बोल देता ट्रॉफिक लालच में और खुश हो जाते हैं। बीजेपी इनका विपक्ष का यही हाल है इस समय, सब यही हाल है। इससे भाई ये 12वीं पास है, इसके पास रोजगार नहीं है। सुनो ये 12वीं पास है, इसके पास रोजगार नहीं है, 12th की स्पेलिंग सुनो। नहीं, अब मेरी बात सुनो। बता दो यार क्यों खामा का इतना? नरेंद्र मोदी जी कितनी अच्छी छवि थी, तो दो ये 200 की स्पेलिंग तो आती नहीं। सुनो 12th की स्पेलिंग तो आती नहीं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुनो अच्छी छवि है नरेंद्र मोदी जी की, इतनी अच्छी छवि है तो पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आ रही? गठबंधन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? अरे सुनो ये कह रहे हैं कि 400 पार का दावा कर रहे थे, बोले क्यों नहीं आया? सुनो 400 पार तो इन कुत्तों के लिए करवाया था। सुनो मीडिया बोली ना तुमने, अभी रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ यार। 12वीं पास को 12th की स्पेलिंग आती नहीं, और ये रोजगार मांग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुनो अगर ये 12th की स्पेलिंग सुना देगा, इसे रोजगार ना दू तो इधर ही भाई साहब इधर ही दफना देना, इसे बोलो 12th की स्पेलिंग सुना। आप तो 17 महीने से सुनो रोजगार दे रहा हूँ, सुनो जय मोदी मैं दे रहा हूँ रोजगार 12वीं पास रोजगार, अब तो खटाखट रुपया आ रहा ना, अब बेरोजगार कैसे हो गया?
अपनी पास नहीं है। ये वो वाले किसान है जब पहले फांसी लगाते थे ना तो वो सोनिया गांधी क्या कहती थी, चलो कोई नहीं कर्जा माफ कर देंगे, मर गया तो क्या हुआ, समझ रहे हैं? ये वो वाले किसान है तब बोल गए लाहुल लाहुल, समझ रहे हैं? सुनो, ब्रजभूषण पे आ गया, अब ब्रजभूषण पे आ गया, अरे किसान पे है ना, किसान पे है।